बिल गेट्स कहते हैं कि गरीब घर में अगर आप पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब अगर आप मरते हैं तो ये टोटली आपकी गलती है। तो ऐसे ही हम लाइफ के रिगार्डिंग, लाइफ को बनाने के लिए हम बात करने वाले हैं 3C की। 3C हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि हम समझ लेते हैं। पहला सी है लेते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है एक्चुअल में? क्लैरिटी होता है, हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। वी हैव टू मेक अ क्लैरिटी इन दैट लाइक के मैंने गोवा जाना है तो गोवा जाना है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। सो हमें क्या है, अपनी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हमें गोल्स हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऑलरेडी आप डिसाइड कर लेते हैं लाइक कि मैंने गोवा जाना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन का पता होता है कहाँ पर आपको पहुँचना है। तो वही क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। वही ऐसा ही होता है लाइफ में, जब तक हम अपने गोल सेट नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमें पहुँचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमें एक्चुअल में पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है, हमारा ड्रीम्स क्या है, हमारा गोल क्या है, किस सेक्टर में हमने जाना है, किस इंडस्ट्री में हमने जाना है, किस फील्ड में हमने जॉब करनी है, किस फील्ड में हमने बिजनेस करना है, किस फील्ड में हमने स्टडी करनी है। जो भी हमने करना है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, अपने जो गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वहीं पर सेकेंड जो सी है वो है हमारा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंसिस्टेंसी एक, अगर सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊँ ना, तो कंसिस्टेंसी एक वो चीज़ होती है, एक पानी की बूंद भी लगातार जब एक पत्थर पे गिरती है तो वो पत्थर को फाड़ देती है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जिस भी चीज़ में, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में, जिस भी एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ कर रहे हैं, जी यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट, वट एवर यू हैव डिसाइडेड योर गोल, उस चीज़ पे आप कंटिन्यूसली काम करें और एक दिन ऐसा होगा जिस पे आप कामयाब होंगे। वहीं पर हम बात करेंगे 3C के बारे में। 3C क्या है, साइकिल ऑफ रिव्यू। 3C मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर आप जो गलतियाँ आपने की हैं तो वो आपको वहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा, लाइक वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट। तो वहाँ पर आप ये देखो कि आपने कहीं गलतियाँ तो नहीं की हैं। अब आप उन चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं अपनी रूटीन लाइफ में। तो जो पीछे आपका जो साइकिल चल रहा है, आपने जो क्लैरिटी है आपकी ड्रीम्स में, आप उन चीज़ों पे जो काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो वहीं पर आपको रिव्यू ये करना है कि मैंने कहाँ पे गलती की है उन चीज़ों को, एंड देन यू हैव टू अप्लाई साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आप वहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट को मतलब जब करते चले जाएंगे अपने काम के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक दिन वह होगा कि आपको कामयाबी मिलेगी, आप सक्सेसफुल बनेंगे। नहीं भूलना है, होप यू कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इन चीज़ों को, इन जो तीन पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है, 3C को जो हमने डिस्कस किया है, इन्हें हम समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला सी था क्लैरिटी। यू हैव टू मेक अ क्लैरिटी इन दैट लाइक, जिस भी चीज़ पर आपने काम किया है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड सी की बात कर रहे थे हम, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जिस भी चीज़ों पे आप काम करो तो वहाँ पर आपने रुकना नहीं है, वहाँ पे आपने कंटिन्यूसली उन चीज़ों को करते रहना है, चलते रहना है। वहीं पर 3C था आपका साइकिल ऑफ रिव्यू एंड साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने उन चीज़ों पर रिव्यू करना है कि जो आपने चीज़ें की हैं कहीं गलती तो नहीं हुई मेरी इसमें, और उन चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट करते रहना है।